So this is your 2-chlorobutane, means when 4 different group bonded to the 4 valency of carbon. जब कार्बन के वैलेंस हम लोगों को पता है कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा है मीथेन या से मिथाइल क्लोराइड देखो, या मिथिलीन डाइक्लोराइड, कोई भी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये असिमेट्रिक होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसकी जो 4 वैलेंसी है उसमें से ये 2 ग्रुप सेम है, ये 2 ग्रुप सेम है, ठीक है। मिथेन में यदि देखा जाए तो ऑल 4 ग्रुप्स आर सेम, चारों के चारों कार्बन एटम्स, मतलब चारों के चारों हाइड्रोजन एटम सेम देगा, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। एटलीस्ट 2, मतलब ये हम लोग डिफरेंट कुक कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लोग कोई डिफरेंट ले लेते हैं CBr, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट हुआ बट स्टिल दिस टू आर सेम, सो फिर भी ये असिमेट्रिक नहीं हुआ। असिमेट्रिक का मीनिंग क्या है कि वेन टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप कार्बन के चारों वैलेंस में लगे, ठीक है ना, कार्बन के चारों वैलेंस में टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, सो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे, उस कार्बन एटम में हम लोग बोलेंगे व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन एटम। और ये ठीक है, अभी ये जो असिमेट्रिक कार्बन एटम है आपके न्यू सिलेबस में स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज हुआ है, चिरार कार्बन। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कायरल, कायरलिटी, ठीक है। इनिशियली आप लोगों को ये याद नहीं रहेगा, आप लोगों ने असिमेट्रिक कार्बन एटम ही याद रखते हैं। असिमेट्रिक कार्बन एटम इज दैट कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप, और वेन टोटली 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड टू द 4 वैलेंस ऑफ कार्बन, कार्बन के चारों वैलेंसी में 4 डिफरेंट ग्रुप जब अटैच होंगे, देन दैट कार्बन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है ना। व्हेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है, देन दे आर कॉल्ड एज व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन एटम, देन इट इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन एटम, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस्टेरिक मार्क, या एस्टेरिक मार्क से डिनोट करते हैं, इसमें यहाँ एस्टेरिक मार्क लगा देते हैं। देखिए इसमें चारों की चारों ग्रुप डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है, एक इथाइल है, एक मिथाइल है। द नेम ऑफ दिस इज 2-chlorobutane, ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3 और 4, 2 कार्बन एटम आपका यहीं पर है, ये सब टोटल C4 कार्बन एटम, एंड Cl प्रेजेंट ऑन द सेकेंड कार्बन, इसमें 2-chlorobutane। नेक्स्ट एक और स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, CH3COOH, जो पहले भी मैंने लिखा था OH, और ये H, दिस इज योर व्हाट, द नेम ऑफ दिस इज लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर ही लैक्टिक एसिड, ठीक है। IUPAC नेम आप यहाँ कर सकते हो, प्रायोरिटी इज गिवन टू एसिड 1, 2, 3, ठीक है। IUPAC नेम हो जाएगा 2 पर हाइड्रोक्सी आ रहा है, 3 पर 3 कार्बन एटम से टोटल, सो 2-hydroxypropanoic acid इज 2-hydroxypropanoic acid, बट आज हम लोग ज़्यादातर ये लैक्टिक एसिड वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो देखिए ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम हुआ, क्यों हुआ असिमेट्रिक कार्बन एटम, अगेन 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड टू द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन कुछ टोटली चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है, इसलिए दैट कार्बन एटम इज नोन एज व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन एटम। ऐसे कार्बन एटम को हम लोग क्या बोलेंगे, असिमेट्रिक कार्बन एटम। एंड व्हाट इज द रिलेशन विद असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ आइसोमर्स और असिमेट्रिक कार्बन एटम का रिलेशन क्या है? So there is a relation, A is equal to 2 raised to power n, A is equal to क्या होता है, 2 raised to power n होता है, A is equal to 2 raised to power n, where A is the number of isomer, E means what, number of isomers, and n is what, number of asymmetric carbon, unsymmetric हम लोगों ने पढ़ा वो अलग है, ठीक है, alkenes में आता है, this is asymmetric कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम, जो कि अभी आपके सिलेबस में आया है, चिराल या कायरल, फिर भी प्रोनाउंस करिए आप चिराल के CHIRAL, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज कायरल, और दैट प्रॉपर्टी या जो भी स्टडी होती है इससे रिलेटेड वो कायरलिटी हम लोग बोलते हैं, या इन जनरल आप लोग कायरल भी बोल सकते हो, कायरलिटी, ठीक है। अभी विदिंग दैट, सो दिस इज असिमेट्रिक कार्बन एटम एंड नंबर ऑफ, व्हाट इज रिलेशन विद आइसोमर, आइसोमर्स के साथ इसका रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इज इक्वल टू 2 raised to power n, वेयर ए क्या है आपका नंबर ऑफ आइसोमर्स, 2 raised to power n, n मतलब है आपका नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। अभी देखिए इस केस में 2-chlorobutane के केस में आपके नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम ओनली वन है, तो हमने आइसोमर्स वेयर 2 raised to power n मतलब 2 आइसोमर्स। सिमिलरली इन केस ऑफ दिस ऑल्सो
लैक्टिक एसिड के भी केस में हम लोगों को कितने एसिड्स मिले, हमारे कितने एसिड्स बनेंगे, टू ही बनेंगे, बिकॉज असिमेट्रिक कार्बोनेट कितना है, एक ही है. असिमेट्रिक कार्बोनेट इन केस ऑफ टू क्लोरोबिटेन, अरे ठीक है, टू क्लोरोबिटेन और लैक्टिक एसिड दोनों भी केस में कितने असिमेट्रिक कार्बोनेट है, एक एक ही है. सो ए इज इक्वल टू टू रेस्ट टू पावर एन, मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, अरे ठीक है. अब ये आइसोमर्स कैसे होते हैं, टेक्स्ट ओवर व्यू आइसोमर्स हम लोगों ने जो पढ़ा है वही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ टू क्लोरोबिटेन. अगर देखिए कोई भी स्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. तो एच और सी एच के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो इन दोनों के बीच में एच और ओ एच, इसके मैंने पहले भी स्ट्रक्चर में वैसे ही लिखा. सो देखिए नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग बनाते हैं यहाँ पर टू क्लोरोबिटेन में, मैं सी एच थ्री ही पे लगा देती हूँ, सी टू एच फाइव आई एम राइटिंग ओवर हियर. एच विल बी प्रेजेंट ऑन दिस साइड, इसे साइड करेगा, ये मेरा साइड है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में, और ये सी ए रिपीटिंग दैट. सो देखिए इस तरह से ये हमारा पेन है. सो यहाँ देखिए ये आपका सेंटर कार्बोनेट, इमेजिन करिए ये है आपका मिथाइल, नीचे है आपका इथाइल, दिस साइड ऑन दिस साइड देर इज एच, एंड ऑन दिस साइड मतलब राइट हैंड साइड आपका है सी ए. अभी ये रोटेट हो रहा है ऐसा, ठीक है, इस तरह से रोटेट होगा ना, ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, आर यू गेटिंग दैट. ये यदि इस तरह से रोटेशन हो रहा है इसका, तो कहाँ पर ये ऊपर नीचे रोटेशन नहीं हो रहा है. सो इस तरह से रोटेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, क्या होगा ये टूवर्ड्स राइट हम लोग बोलते हैं, तो इस तरह से होगा. सो एच इस साइड का उस साइड जाएगा, और सी एल फ्रॉम दिस साइड, सी एल फ्रॉम दिस साइड कम टू दिस वन, आर यू गेटिंग दैट. ये टूवर्ड्स राइट रोटेट होता है तो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ इन दोनों का पोजिशन इंटरचेंज होगा. While these two group remain as it is, ये सी एच थ्री और सी टू एच फाइव एज इट इज रहेंगे, सी एच थ्री और सी टू एच फाइव एज इट इज रहेंगे, सिर्फ चेंज किसमें होगा, एच और सी एल. ये सी एल प्रेजेंट ऑन दिस साइड, ये साइड में जो सी एल प्रेजेंट है वो आपका इस साइड आएगा, और ये वाला एच उस साइड जाएगा. यदि ये एज इट इज ऐसे ही प्रेजेंट है, ये एज इट इज ऐसे ही प्रेजेंट है आप लोगों का, तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा ही प्रेजेंट है, मतलब एच ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड सी एल ऑन राइट हैंड साइड, तो ये आप लोगों का डेक्सो फॉर्म है, ये हो जाएगा आपका डेक्सो फॉर्म, मतलब डी फॉर्म, मतलब ये टूवर्ड्स राइट हो गया ना, टूवर्ड्स लेफ्ट यदि रोटेट करेगा तो क्या हो जाएगा, लियो फॉर्म. मतलब आप लोगों का ये क्या हो जाएगा, सी एच थ्री, ये दोनों ग्रुप का चेंज नहीं करना है बिल्कुल. मान लीजिए आपने पहले स्ट्रक्चर में सी टू एच फाइव यही पर रिप्रेजेंट किया, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी सी टू एच फाइव यही रिटर्न करोगे, इसका पोजिशन चेंज नहीं करना है. ये मैं अभी रोटेशन बता रही हूँ, तो ये रोटेशन क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, तो सी एल गोज कम्स ऑन दिस साइड एंड इट विल बी हियर, एंड दिस टू आर व्हाट, मिरर इमेजेस. तो मिरर बनाना बहुत जरूरी है, दिस आर एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दिस टू इमेज मतलब आइसोमर्स, लियो फॉर्म या लियो आइसोमर्स रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल नेगेटिव साइन, ये स्मॉल डी, और इसका साइन होगा पॉजिटिव, आर यू गेटिंग दैट. सो टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट, आर यू गेटिंग दैट, टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट. सो यदि इफ इट रोटेट टूवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक है ना, टूवर्ड्स राइट यदि ये रोटेट करता है तो ये हो जाएगा डेक्सो फॉर्म. डेक्सो फॉर्म में ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो पहला फॉर्म है ना, इसको एज इट इज लिखना है डेक्सो फॉर्म. आप लोगों ने रोटेशन ये नहीं करना है, यहाँ पर एज ऑलवेज प्रेजेंट ओवर हियर, इसी साइड में रहेगा, और ये सी है. यदि आपका डायरेक्शन देखा जाए इस तरह से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही है और ये राइट हैंड साइड पर है एच, और इसका मतलब हम लोग जब लियो फॉर्म बनाएंगे तो ये कहीं पर भी कोई भी ग्रुप नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यूनिगेटिंग टोटली जीरो मार्क्स. ये कॉमन मिस्टेक होती है स्टोरी की, कोई भी ग्रुप कहीं पर भी लगा देते हैं, बट वो मीनिंग नहीं है टोटली. एच हमेशा डेक्सो फॉर्म में इसी साइड रहेगा और सी एल इसी साइड रहेगा, आर गेटिंग दैट. ये हो जाएगा डेक्सो फॉर्म, और लियो फॉर्म में इनका पोजिशन ही सिर्फ सी एल और एच का ही पोजिशन आप लोगों ने इंटरचेंज करना है. तो ये हो जाएगा डेक्सो फॉर्म, ये हो जाएगा लियो फॉर्म. सिमिलरली हम लोग लिख रहे हैं इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के भी केस में वैसा ही होगा. लैक्टिक एसिड में वीडियो टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एच एंड ओ एच, यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस एच एंड ओ एच, एच इस साइड रहेगा, ओ एच ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दिस साइड. मानो मैंने सी ओ एच पहले लिख दिया और सी एच तो यहाँ लिख दिया, तो मुझे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी जहाँ सी ओ एच मैंने लिखा है ना, वहीं पर रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है. सिर्फ हम लोगों को इनका पोजिशन चेंज होते हुए दिखाना है. एच देखिए यहाँ पर आ जाएगा ड्यू टू रोटेशन, और एच ओ एच विल बी ऑन दिस साइड, ठीक है, और एच गोज टू दैट साइड, आर यू गेटिंग दैट. सो इसी तरह से डेक्सट्रो फॉर्म बनेगा आपका, डेक्सट्रो मतलब स्मॉल डी पॉजिटिव साइन, ये लियो आइसोमर नेगेटिव साइन, आर यू
एंड दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है, बट दे आर नोन एज सुपर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है. Why non super impossible mirror images? If you try to fit this structure on this, यदि आप लोग ये structure को इस पर fit करने की कोशिश करोगे, तो whether it is fitted or not, fit होगा क्या ये? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? Because देखिए ये COH और CH में तो कोई problem नहीं है, but H of this will coincide with what OH. इसका H आएगा तो दूसरे structure का क्या हो जाएगा? OH आएगा. So these are what? No, that's why they are known as what? Non super impossible mirror images. मिरर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है इन दोनों के बीच में, बिकॉज दे आर नॉट मिरर इमेजेस एंड सच आइसोमर्स आर नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स. ये दो फॉर्म जो रहेंगे दे आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स. इनेंशियोमर्स और इनेंशियोमर्स, ठीक है. सो नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगा आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स. व्हाट आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? क्या रहता है? दे आर आइसोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड. दीज टू आर द कंपाउंड्स ऑफ व्हाट? लैक्टिक एसिड. या ऑप्टिकल आइसोमर्स किसके? लैक्टिक एसिड के ही है. लैक्टिक एसिड. एंड दीज टू आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट? दीज टू आर द आइसोमर्स ऑफ टू क्लोरोब्यूटेन. दोनों का नेम सेम है, टू क्लोरोब्यूटेन. बट ये है पहला आपका है डेक्स्ट्रो फॉर्म और सेकेंड वन है आपका लियो फॉर्म. फर्स्ट वन इज योर डेक्स्ट्रो और सेकेंड वन इज लियो फॉर्म, ठीक है. सो दीज आर व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स. टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक असिमेट्रिक कार्बन एटम. देन वी हैव सीन व्हाट रिलेशन विद व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड असिमेट्रिक कार्बन एटम, ठीक है. असिमेट्रिक कार्बन एटम इज व्हाट? टोटली फोर डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन. कार्बन एटम की जो चार वैलेंसी होती है उसमें टोटली चार ग्रुप डिफरेंट रहेंगे, वो होता है असिमेट्रिक कार्बन एटम. उसी को हम लोग अभी न्यू कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चिराल पुराने सिलेबस में भी यूज होता था. ये दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? चिराल कार्बन या पायरल कार्बन. हाँ, बट याद रखने के लिए ये टर्म आसान होती है असिमेट्रिक कार्बन एटम. ये रिलेशन होता है, ठीक है, ए इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर एन. लैक्टिक एसिड हो या टू क्लोरोब्यूटेन हो उसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? एक ही. सो टू रेस्ट पावर वन मतलब टू आइसोमर्स वी आर गेटिंग. तो ये जो दो आइसोमर्स हम लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, ये आपके टुगेदर टू क्लोरोब्यूटेन के हैं और ये दोनों आपके किसके हैं? लैक्टिक एसिड के हैं. ये दोनों मिला के क्या हो रहा है? ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है, ये लियो फॉर्म है. ये लियो फॉर्म मतलब रोटेट टुवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज. ये रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है आपका, ये लियो फॉर्म है. जो चीज़ें मैंने जहाँ रिप्रेजेंट किए डेक्स्ट्रो फॉर्म में वैसे ही रहेगी. एच स्पेशली एच और सी एल, यहाँ एच और ओ एच उसी तरह से रिप्रेजेंट करना है. सो डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म. और ये दोनों इसमें क्या हो जाएगा? मतलब ये जो दो आइसोमर्स होते हैं तो ये देखें, यदि कंपेयर करो तो मिरर इमेज ऐसे ही, ठीक है ना, ये मिरर इमेज हो जाएगा एग्जैक्ट. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? असिमेट्रिक. ये भी इस तरह से होता है फॉर्म. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सच इमेजेस आर नोन एज व्हाट? नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है. इसमें एक वर्ड यूज होता है, व्हाई? बिकॉज यदि आप ये स्ट्रक्चर इस पर फिट करने की कोशिश करो तो क्या वो फिट होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? बिकॉज एच ऑफ दिस विल कोइंसाइड विद सीएल ऑफ दिस, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? इसका साइज का काफ़ी इफेक्ट होता है ना, मतलब ये फिट नहीं होगा. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस. हम लोगों ने ये दो आइसोमर्स रिप्रेजेंट किए इन केस ऑफ व्हाट? लैक्टिक एसिड एज वेल एज टू क्लोरोब्यूटेन. सो दीज टू आइसोमर्स आर कलेक्टिवली आर टुगेदर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स और इनेंशियोमर्स, ठीक है. सो ऑप्टिकल आइसोमर्स के इनेंशियोमर्स मींस व्हाट? दे आर कंपाउंड व्हाट? दे आर आइसोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड. एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स है. दे आर हैविंग व्हाट? सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी. लैक्टिक एसिड की ही दो फॉर्म है ना, ये भी टू क्लोरोब्यूटेन के. दैट्स व्हाई इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम रहेगा, ठीक है. बट दे आर डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट. दीज टू आर कनेक्टेड कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. दे आर हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बट दे आर डिफर इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. वन रोटेट टूवर्ड्स राइट एंड अदर रोटेट टूवर्ड्स लेफ्ट. आर यू गेटिंग दैट? एक राइट में रोटेट करेगा तो एक लेफ्ट में रोटेट करेगा, ठीक है. इस तरह से इनका रोटेशन है, मतलब दे आर डिफर, मतलब इनका डिफरेंस किस में? रोटेशन में. एक रोटेट करता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो एक करता है रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स. दे आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्टिकल आइसोमर्स.
तो ये आपका नेक्स्ट डेफिनेशन देगा। ये इस तरह से आप लोगों ने सारे डेफिनेशन पढ़नी है और ये हम लोग कलेक्टिवली एक केस में आपको या तो ये डेफिनेशन आती है अलग अलग और फिर इसका कंबाइन एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन या लैक्टिक एसिड, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन या लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ जितना भी हम लोगों ने डेफिनेशन या टॉपिक पढ़ा है वो हम लोग कलेक्टिवली एक केस में यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। हाउ टू अप्लाई दिस इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, हमारा यही रहेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन। ठीक है ना, इसे हम लोगों को अप्लाई करना है। क्वेश्चन हो सकता है आपका एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, या फिर सेपरेटली ये भी पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है, तो ये बिल्कुल करके रखना है। सिंपल क्वेश्चन भी यदि होता है कि एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब वहाँ अलग से दिया नहीं होगा, फिर भी आप लोगों ने ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहले डेफिनेशन लिख ली है। ठीक है, दिस सब्सटेंस बाय विच या प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच इट इज एबल टू रोटेट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इतना आपका आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टू क्लोरोबिटेन इज अ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। सो पहले हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। टू क्लोरोबिटेन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, आप स्ट्रेट जिस तरह से मैंने बताया था वो भी कर सकते हो, या फिर सेंटर चार कार्बन एटम मिले स्ट्रेट लगा दीजिए, उस तरह से भी होगा। कन्फ्यूजन ना हो इसमें जो मैंने पहले रिप्रेजेंट किया वही कर देती हूँ। आप लोग सेम सी टू एच फाइव की जगह सी एच थ्री सी एच टू भी कर सकते हो। ठीक है, सी एच टू सी एच थ्री इथाइल ही होता है, ये मैं लगा देती हूँ सी एल और ये एच टू क्लोरोबिटेन। आर यू गेटिंग दैट, यही सेम स्ट्रक्चर इस तरह से, टोटल फोर कार्बन आइटम्स है ना। सो देखिए आप लोगों का टू क्लोरो रिप्रेजेंट करना है, सी एल यहाँ आ जाएगा आपका सी एच थ्री, ये वैलेंसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक एच आ जाएगा, वन टू थ्री था तो एक एच टू पे दे, ये आपका आ जाएगा सी एच टू और ये हो जाएगा सी एच थ्री। सेम चीज हैंड राइटिंग हो जाए, सेम चीज मैंने लिखी है, सेंटर कार्बन यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला एच मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया, ये सी एल मैंने यहाँ लगा दिया है, ये आपका सी एच टू सी एच थ्री की जगह इंस्टेड ऑफ दैट आई एम यूजिंग व्हाट सी टू एच फाइव और ये आपका सी एच थ्री है, मैंने इस साइड प्लेस कर दिया। सो टू क्लोरोबिटेन मे बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, हो जाएगा ये आइदर ये लिखिए या ये लिखिए, बेटर है आप लोग यही फॉलो करिए। ठीक है, मैंने वो समझा लिखिए समझा दिए, फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन हम लोगों को एक्सप्लेन करनी है। तो कैसे करोगे, टू क्लोरोबिटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव विच इज एक्सप्लेन एज फॉलो या ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन इज एक्सप्लेन एज फॉलो, या इस वे से भी लिख सकते हो टू क्लोरोबिटेन इज एक्सप्लेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, नंबर वन रहेगा आपका प्रेजेंस ऑफ रहेगा प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक चिरार कार्बन एटम भी यूज कर सकते हो अपवर्ड, असिमेट्रिक कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन, कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है टू क्लोरोबिटेन में, ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट, यहाँ लिखना है ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट इन टू क्लोरोबिटेन, एंड उस एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम को कितने ग्रुप अटैच है एंड द डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू दिस आर, एक असिमेट्रिक कार्बन एटम को कितने ग्रुप्स अटैच है या जो ग्रुप्स अटैच है वो लिखना है, देयर आर फोर ग्रुप्स मीन्स बॉन्ड एच सी एल बॉन्ड ऑलवेज यू हैव टू रिप्रेजेंट। ठीक है, सी एल बी आर ये आपका रहेगा सी एच थ्री बॉन्ड सी एच थ्री और सी टू एच फाइव, दीज फोर ग्रुप बॉन्डेड टू दी असिमेट्रिक कार्बन एटम, आर यू गेटिंग दैट। सो प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम ये पहला हेडिंग रहेगा, असिमेट्रिक की जगह आप लिख सकते हैं चिराल या कायरल कार्बन एटम, सो देयर इज ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन टू क्लोरोबिटेन, या टू क्लोरोबिटेन के केस में एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम है जिससे फोर डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड है, एक एच है एक सी एल नेक्स्ट है सी एच थ्री थर्ड वन और फोर्थ वन है आपका सी टू एच वन, ये पहले हेडिंग में आएगा आपका। ठीक है, सेकेंड हेडिंग रहेगा आपका दूसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज या ऑप्टिकल एक्सोनेंस भी लिख सकते हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल सेकेंड हेडिंग, हाँ टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लिखते हो लीच इज इक्वल टू रेस टू पावर एन, दिस विल कैरी हाफ मार्क, ये हाफ मार्क कैरी करता है। ठीक है, टू ए इज इक्वल टू टू रेस टू पावर एन, ये हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वेयर ए इज व्हाट नंबर ऑफ आइसोमर,
और एन इज नंबर ऑफ टोटल ए एन इज व्हाट असिमेट्रिक कार्बन एटम, तो यहाँ मेंशन करने की जरूरत नहीं, सिंपली यू हैव टू राइट ए इज इक्वल टू 2^n, ठीक है ना। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, इससे को आगे लेके चलते हैं हम लोग कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से ये कितने नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाते हैं। ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ते हुए अलग से पढ़ा, तो आप लोगों को लगेगा कि रिपीटेडली वही आ रहा है, ये मैं कलेक्टिवली एक ही जगह कैसे लिखना है वो बता रही हूँ, वो वाला क्वेश्चन डिफरेंट है, वो आएगा तो आपका सिर्फ डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, बट बाय यूजिंग दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोगों ने वही एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, बट वो अलग डेफिनेशन फॉर्म में था, सो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस टू टॉपिक। हाँ, वो डेफिनेशन पढ़ते हुए हम लोगों ने वही सेम एग्जाम्पल लिए, ठीक है, बट ये आप लोगों का कलेक्टिवली यदि पूछा जाए कि एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, तो इतना ही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सो कैसे आएगा आपका पहला डेफिनेशन, फिर पहला हेडिंग आएगा प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, डिफरेंट ग्रुप कौन से होते हैं उसमें अटैच वो लिखना है। इसी तरह से आपका कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-chloro-butene लिया है, ठीक है, और 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ हम लोगों ने रिप्रेजेंट किए, एक एच होता है, एक सी एल, एक सी एच थ्री आपका, एक C2H5, ठीक है। अभी 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस में हम लोग लिखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम, 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर फॉर्म। फर्स्ट वन आप लोगों को सेम चीज बनानी है, आप लोग टेट्राहेड्रल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट बेटर है इसी वैसे करोगे C2H5, और इसका ये मिरर इमेज जो हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमर्स के डेफिनेशन में बनाया था सेम वही चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। एक्स वैल्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिंपली लिखना है कि ये डेक्स टू फॉर्म, दिस इज लियो फॉर्म, 2 आइसोमर्स, ये स्ट्रक्चर 1 हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर 2, और इसी में आप लोगों ने लिख देना है कि स्ट्रक्चर 1 रिप्रेजेंट द डेक्स टू फॉर्म, डेक्स टू फॉर्म विच रोटेट्स इन प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स व्हाट राइट और क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये रहेगा आपका लियो फॉर्म, ये सेकेंड ये आइसोमर है, दैट इज लियो फॉर्म विच रोटेट्स इन प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ये है आपका मिरर, मिरर रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ये आ जाएगा आपका सेकेंड पॉइंट में, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस में या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स में आप हेडिंग डाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ क्या लिखोगे आप, हेडिंग डालते ही आप लोगों ने देना है ए इज इक्वल टू 2^n, और लिख देना है कि बिकॉज ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओनली वन असिमेट्रिक कार्बन एटम दीज टू मिरर इमेजेस आर फॉर्म, ठीक है। पहला स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रक्चर वन रिप्रेजेंट डेक्स टू फॉर्म, उसी में लिख दोगे विच रोटेट्स इन प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स राइट, और सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंट फॉर लियो फॉर्म विच रोटेट्स इन प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट, उसी में आपका डेफिनेशन आएगा, ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड हेडिंग रहेगा आपका, थर्ड हेडिंग रहेगा रेसिमिक मिक्सचर, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी रेसिमिक मिक्सचर, इसमें आप लोगों को सिंपली लिखना है रेसिमिक मिक्सचर मतलब BL मिक्सचर और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन जो डेफिनेशन आप लोग पहले लिखे हो मैंने लिख दिया था पहले वही सेम रहेगा, इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट बोथ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म, डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म का इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में जो प्रेजेंट होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जो आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट रेसिमिक मॉडिफिकेशन या रेसिमिक मिक्सचर, दे आर ऑल्सो नोन एज व्हाट BL मिक्सचर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन BL मिक्सचर में हेडिंग दिया लिखा रहता है। सो इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म, इसको इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो एंड लियो फॉर्म इज नोन एज व्हाट रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमिक मॉडिफिकेशन, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, दोनों का सेम परसेंटेज में कॉन्सेंट्रेशन मतलब रेसिमिक कॉन्सेंट्रेशन रेसिमिक मिक्सचर, आर यू गेटिंग दैट, और ऐसे केसेस में कंपाउंड बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है, बट इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव बाय रिसोल्यूशन, ठीक है, बट उसको ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है बाय रिसोल्यूशन, उसका फिर से सोल्यूशन बना के फिर से ऑप्टिकली एक्टिव बनाया जा सकता है। दिस मच यू हैव टू राइट इन दिस हेडिंग, हाँ, रेसिमिक मॉडिफिकेशन, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या हो जाएगा, दैट सोल्यूशंस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू व्हाट एक्सटर्नल कंपनसेशन, ये भी लाइन आप लोगों ने डाल देनी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट जैसे रिएक्शन प्रोसेस होती रहती है प्रोग्रेस में होती रहती है, सो आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है इसमें धीरे धीरे कैसे कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट मतलब एटमोस्फेरिक कंडीशन वगैरह वो सारा इफेक्ट करता रहता है, तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में नहीं लिखते हैं, हम लोग सिंपली लिखते हैं कि ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन दे बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है, बट दे बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव बट इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव बाय रिसोल्यूशन, फिर से उसका सोल्यूशन बनाया जाए तो ऑप्टिकली एक्टिव बन सकता है। सो दिस मच यू हैव टू राइट इन व्हाट इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, 2-chloro-butene की ऑप्टिकल एक्टिविटी के एक्सप्लेनेशन में इतना आप लोगों ने लिख देना है, आर यू गेटिंग दैट, इतना आपने लिखना है। सेम वे से
अनादर क्वेश्चन मतलब जो रिपीटेडली इतने सारे में पूछा गया है, बायोसिन टू क्लोरोबेटिन, यदि लैक्टिक एसिड आता है तो सेम चीज़ें यहाँ पर रिपीट, लैक्टिक एसिड के लिए भी सेम वे से आएगा, लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपके लिए है, आपके पास है प्रीवियस इसमें सेंट्रल कार्बन, एक सी एच थ्री, एक सी ओ एच, एक एच और एक ओ एच, इसका आपने खुद बनाना है, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि वो भी आप लोगों ने कैसे लिखना है, लैक्टिक एसिड रहेगा, एग्जाम्पल चेंज कराते हैं हम लोग, या तो टू क्लोरोबिटेन देंगे या फिर लैक्टिक एसिड देंगे, तो टू क्लोरोबिटेन का स्ट्रक्चर आप लोगों को लर्न होना चाहिए, लैक्टिक एसिड का आप लोगों के पास होना चाहिए, बाकी डेफिनेशन सारा पूरा उसी फॉर्म में आएगा, सिर्फ आपके ग्रुप चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है ना। डिफरेंट ग्रुप हेडिंग आपका रहेगा डेफिनेशन एज यूजुअल, ये भी हेडिंग वही रहेगा, ऑप्टिकल लैक्टिक एसिड, ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इट इज एक्सप्लेन एज फॉलोज, पहला हेडिंग रहेगा प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम या चिरार कार्बन एटम एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो इसमें देखिए एक ही असिमेट्रिक कार्बन एटम होता है, लैक्टिक एसिड के केस में आपके ग्रुप चेंज हो जाएंगे, एक एच रहेगा, एक ओ एच रहेगा, एक सी ओ एच रहेगा, एक सी एच थ्री रहेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देन नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरा इमेजेस वाले हेडिंग में एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पे ये वाले ग्रुप आ जाएंगे, ये पोजिशन यहाँ ओ एच टू यहाँ एच आपके प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर में है वही बना देना है, सेम डेफिनेशन सेम एवरीथिंग सब कुछ, रेसिपिक मिक्सचर भी उसी तरह से लिखना है इन लैक्टिक एसिड। सो यहाँ पे प्रिपेयर फॉर प्रिपेयर द लैक्टिक एसिड मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन और एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड, ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने प्रिपेयर करके रखना है। पहले तो आप लोगों ने पूरी डेफिनेशन लिख देने हैं, हाँ, राइट फ्रॉम व्हाट, ऑर्डिनरी ऑफ लाइट, ऑर्डिनरी ऑफ लाइट का डेफिनेशन आएगा आपका, देन आएगा प्लेन पोलराइज लाइट, देन आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद आता है क्या हो जाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक रहता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट बिफोर दैट डेक्सट्रोफॉर्म, लियोफॉर्म, रेसिमिक मिक्सचर, देन ये किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब चिरार कार्बन एटम, देन नेक्स्ट वन या कायरल, नेक्स्ट इसमें चिरैलिटी या कायरल सिमेट्रिक और असिमेट्रिक या कायरल अकायरल कार्बन का मैं बताती हूँ, ठीक है, बट आज के इसमें इतना ही डेफिनेशन वगैरह आप पढ़ लोगे, असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब ही चिरार कार्बन एटम, आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है, ये इतना आप लोगों ने अलग से डेफिनेशन करना है और वही सारे डेफिनेशंस को हम लोगों ने ये समराइज किया है फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहला वाला टॉपिक आप लोगों का अलग अलग डेफिनेशन आ सकता है, कोई भी दो डेफिनेशन या चार डेफिनेशन कुछ भी आ सकता है, तो वो डेफिनेशन जो आप लोग अलग से प्रिपेयर करोगे ना उसी का मतलब बाय अप्लाइंग दैट या बाय यूजिंग दैट वी कैन एक्सप्लेन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन और ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन और लैक्टिक एसिड दोनों आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, जिस तरह से आप टू क्लोरोबिटेन बनाओगे उसी तरह से लैक्टिक एसिड, बिकॉज दोनों के साथ मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ लैक्टिक एसिड एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टू क्लोरोबिटेन, ठीक है।